गार्डन ओवरहेड और पैसा रोड पे लगा देंगे साहब। बड़ा बड़ा भर दे यार। चलो बजा दे, चलो बराबर करते हैं। Have you heard anything at all about a road fee? Some sort of tax? As for you, you're suspended from duty with immediate effect. पर साहब, ये तो सब रोड के लिए है साहब। The road of Mr. Adam, North Super Road साहब, the best road. हमको साफ साफ बताओ, किसने बोला तुमसे पैसा लेने को? 3 दिन से आ चुका हूँ, तुझे लेने आया हूँ। चलेगी? कहाँ? तेरी गलियों के ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम मेहमान हो इस घर की। मेहमान हूँ? हाँ, अपनी सगी बहन के घर में मैं मेहमान हूँ? अच्छा, जिनका अपना घर नहीं होता उनका तो कोई घर ही नहीं होता। कोई नया बहाना नहीं मिलता तुम लोग को? 3 महीने का वीजा बढ़ा दो साहब। 25 दिन के ऊपर का तो कानून ही नहीं है। बेशरम, बेहरत, अपने को मर्द कहता है तू? औरत के पैसों की शराब पीता है, ऊपर से मारता है? क्या मैं तुझे नहीं जानती? तू तो है बचपन से झूठी, खुद गर्ज, जमाने भर की चोर, और ये साबर तुझसे 2 कदम आगे है, चुट्टा कहीं का। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। जब से इस घर में आई हो ना, तुमने जीना हराम कर लिया है, पूरे घर पे कब्जा करके बैठ गई हो और मेरे नवासे पे डोरा डाल रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस दफे कोई माई का लाल महमूदा बेगम को हथकड़ी लगाकर सरहद पार नहीं करेगा। हजार बार रुके हम, हजार बार चले। वो रमणीक भाई की लड़की है ना, उसने खुदकुशी कर ली। कमला ने? जी हाँ। लगता है वो लड़की खराब थी। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या, पूरी बिल्डिंग को मालूम है। अच्छा दीदी, गलती क्या सिर्फ लड़कियों की होती है? जो हम मुंह ना दिखाए, भास्कर क्यों नहीं अपना मुंह छिपाता? कमला की तरह एक दिन मैंने भी आत्महत्या की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कमला मर गई। अगर कमला की तरह मुझे भी कुछ हो जाता तो क्या मैं उसे रोक पाती? तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जाना जरूरी है गीता। नहीं, इसके अलावा तुम्हें शायद मालूम होगा गीता, मैं रीता से प्यार करता हूँ। वहाँ डॉक्टर के सामने कितने इत्मीनान से कह दिया, ये मेरी पत्नी है। पति पत्नी नहीं कहता तो 200 की बजाय 500 रखवा लेता। अपनी गली में कुत्ता तो आज करेंगे ही ना। अबे लंगड़े, सुम से निकल ले यहां से, वरना दूसरी भी चाहेगी, समझा ना? चल। पब्लिक मेरे को सलीम लंगड़ा बोलती है, बरोबर बोलती है काय को। अरे बोलेगा तो मेरी चाल में थोड़ी चमक है। निकल जा इधर से, नहीं तो काट के फेंक देगा मैं तेरे को। ये शाड़े, इस शहर में गुंडा और बदमाश बन जाना बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही गुनाहों की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। यूं मुश्किल तो शराफत और इज्जत की जिंदगी जीने में है। अरे जब एक टाइम लंबा हाथ मारेगा ना, अपन का जिंदगी भी एकदम चेंज। क्या इब्राहिम भाई के माफिक गिर गई राम रे माथे इंडिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? मेरे लिए तो वो काम है। तू स्कूल का ही क्यों नहीं गया रे? गया ना, दूसरी चौपड़ी तक गया। उसके बाद तेरे स्कूल में तो भर्ती। अपन का धंधे में नीचे से ऊपर तक सबको पटा लेने का। क्या
बहुत सीखा मैं गुंडे लोग से। मैं सीखा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इस दुनिया में दो चार करने के वास्ते भेजा लगाना पड़ता है। भाई मेरे को दंगे फसाद में नहीं पढ़ने। मुझे गंगा यात्रा करनी है, गौमुख से लेके गंगा सागर तक एक सफर कह लीजिए, जीवन को ढूंढता फिरता हुआ। और फिर शायद कोई किताब लिख लूं इस पर। Je te donne ma main, mais ne me cherche pas. Personne ne m'a jamais trouvé. Ganga m'attend, Jaya. हमारा नाम जहरा है। मेरा काम हुस्न से आंख में चौली खेलना, नाचती गाती मोहब्बत का सौदा करना है। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगा जहरा, तुम मत चाहे कुछ भी हो। बात तो तुम नाचोगी गाओगी, तुम्हारे अपनी शो हुआ करेंगे, अपनी रोजी खुद कमाओगी। बताते क्यों नहीं कौन है ये? कौन है ये? ये वो औरत है जिससे एक दिन इत्तेफाक से मैं वीराने में मिला था। इत्तेफाक से वीराने में एक और भी औरत से मिले थे आप? उसका नाम था जहरा। Ha ha ha!